यूपी के सीतापुर में पेपर लीक से जुड़ा एक मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नर्सिंग ऑफिसर का पेपर दे रहे छात्रों ने पेपर लीक किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन परीक्षा केंद्र पर पहुंचा। एसपी ने मामले की गहनता से जांच के बाद खुलासा करने को कहा। छात्रों का आरोप है कि केपी मेमोरियल कॉलेज प्रशासन ने पहले से 15 से 20 बच्चों को पेपर दे दिया था, जो कि अपने साथ मोबाइल भी ले गए थे। इतना ही नहीं, परीक्षार्थियों ने कॉलेज प्रशासन द्वारा डमी सॉल्वर बैठाने का आरोप लगाया। इस पर जब विरोध किया गया तो सभी परीक्षार्थियों को धमका कर बाहर निकाल दिया गया। स्कूल में आए थे, क्या दिक्कत हुई यहाँ? हम यहाँ पे केपी मेमोरियल स्कूल में एसजीपीजीआई लखनऊ का हम नर्सिंग स्टाफ है, उसका यहाँ पे एग्जाम देने आए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम एग्जाम दे रहे थे तो बीच एग्जाम में बीच एग्जाम में यहाँ पे कम से कम 15 लोग पकड़े गए हैं, जो कैंडिडेट नहीं थे उनको बदल के दूसरे लोग एग्जाम दे रहे थे। उनके पास बेकायदा कागज पकड़े गए हैं दूसरे, और दूसरे लोग आए थे बाहर से एग्जाम देने के लिए, और कम से कम 15 लोग थे यहाँ पे, इतने लोग आए एग्जाम देने के लिए। तो अब क्या दिक्कत आ रही है आपके? अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, मतलब कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। और ये केपी सिंह मेमोरियल कॉलेज वाले हमको जबरदस्ती बाहर से, मतलब अंदर से बाहर भगा रहे हैं। तुम यहाँ पे कुछ मत करो, बाहर जाओ यहाँ से। कहाँ से आए हैं आप पेपर देने? हम राजस्थान से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नमो नारायण प्रजापति। लगे कितने बच्चे थे? मेरी लैब में कम से कम 7-8 बच्चे तो मेरी लैब में पकड़े गए थे। और दूसरी लैब की जो सेकंड नंबर, एक लैब इन्होंने कॉर्नर में बनाई रखी थी, उसमें हमें पता नहीं है, कम से कम 15 लड़के टोटल पकड़े गए हैं। उन पर पर्चियां मिली हैं और डमी भी बैठे एक दो लड़के तो, और कुछ उनपे बड़े बड़े कुछ खा गए हैं पर्चियों को, फिर भी इन्होंने पकड़ा हुआ है। मोबाइल पे? हाँ, मोबाइल वाइल मिले हैं बच्चों पे। अच्छा, हाँ। तो जब आपने विरोध किया तब क्या हुआ? विरोध करने ही नहीं दिया है कुछ भी, शांति से भगा दिया है। मैं बाहर निकाल दिया। फिलहाल पुलिस ने कुछ मुन्ना भाइयों को हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने उन सभी के मोबाइल फोन समेत अन्य सामान अपने कब्जे में ले लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए सीतापुर से रिजवान मोहम्मद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।